इम्पॉर्टेंट वीडियो है उन लोगों के लिए जो एमिरेट्स आईडी या तो रिन्यू करवाने के लिए जा रहे हैं या नया बनाने के लिए जा रहे हैं। ये दो कंडीशन में कहीं ना कहीं आप लोग आते होंगे या नया बनने वाला है। अब आप लोगों को पता है कि भाई स्पेशली ये पहले की तरह हमारा जो वीज़ा है वो पेस्ट तो नहीं हो रहा ना पासपोर्ट के ऊपर। जब भी हम ट्रैवल करते हैं, अपनी कंट्री करते हैं, किसी भी कंट्री में करते हैं, तो जिस भी कंट्री में करते हैं उनके लिए जो आपका एमिरेट्स आईडी होता है ना, ठीक है, जो रेजिडेंशियल कार्ड जिसे बोला जाता है एमिरेट्स आईडी, वो एज अ आपका रेजिडेंशियल डॉक्यूमेंट जो एयरपोर्ट पे या तो चेकआउट के टाइम पे यहाँ से जाते हुए, ठीक है, या वहाँ से चेक इन के टाइम पे बोर्डिंग करते हुए उस कंट्री से चेक किया जाता है। अब यहाँ पे समझने की जरूरत है, बहुत से भाई लोग कह रहे हैं कि इन्होंने रिन्यू कराने के लिए दिया है, वो कहते हैं ना एमिरेट्स आईडी मिला नहीं है अभी तक, या नया बनाने के लिए दिया है तो एमिरेट्स आईडी अभी तक आया नहीं है लेकिन ट्रैवल करना चाह रहे हैं, क्या ट्रैवल कर सकते हैं? पहली बात देखें, अगर आपका वीज़ा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ ना, आप ट्रैवल नहीं कर सकते। आपका पूरा वीज़ा प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए, आपका एमिरेट्स आईडी इशू हो जाए उसके बाद आपने ट्रैवल करना है। बीच में लटकने वाला बंदा या तो कैंसिल होकर जाता है या वो कहते हैं ना फिर पूरा कंप्लीट करके जाता है, बीच वाली स्टोरी नहीं होती। अब इंपॉर्टेंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन, अगर आप नए के लिए जाते हैं, वो रिन्यूअल का बाद में बताता हूँ, तो पहले देख लीजिए आपको कभी कभी होता है एमिरेट्स आईडी लेट हो जाता है, देर है, दुरुस्त है, आना है आपके पास, आपकी जेब में आना है, बट दो चीज़ें यहाँ पे आपने देखनी है, या तो लेट होता है आपका अरबाब को जंतर मंतर करने वाला है, अरबाब आपको देता नहीं है, छुपा लेता है, या आईडी के ऊपर को गेम करने वाला होता है। तो इससे होशियार रहना है कि आपने चेक करते रहना है कि आईडी आपका आईसीपी की वेबसाइट या एप्लीकेशन के ऊपर अपडेट हो चुका है कि नहीं, ठीक है, या यूएई पास की एप्लीकेशन होती है वहाँ पे भी उसके बाद आप लोग वो कहते हैं ना अपलोड करते हैं, या अपने मोबाइल के साथ ओटीपी भेज के आप चेक कर लेते हैं, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड होते हैं। तो अगर आपका एमिरेट्स आईडी आईसीपी की वेबसाइट के ऊपर अपलोडेड है, इन्फॉर्मेशन आ गई है और आपको फिजिकली नहीं मिला, तो प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है, आप आईसीपी के वहाँ पे आप डाउनलोड का ऑप्शन होता है, अपना प्रिंटेड फॉर्म अपने एमिरेट्स आईडी की निकालिए और आप ट्रैवल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब आप आ रहे हो तो आप ये दिखा सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी इमिग्रेशन सिस्टम के ऊपर आपकी डिटेल्स अपडेट हैं, अपलोडेड हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दूसरी कंडीशन सेम है, अगर आप रिन्यूअल के लिए जाते हैं, देखें एक्सपायर आईडी के साथ आप ट्रैवल ना करें, मैं आप लोगों को पहली एडवाइस ये करूंगा। बेसिक आपने डाल दिया, आपके पास जब तक रेफरेंस नहीं होगा नए आईडी का, या नए आईडी की कॉपी नहीं होगी, या वही जो भी मैंने आपको बात भी है कि अगर आपने डाल दिया है, आपके पास आया नहीं है, इमरजेंसी ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो आईसीपी की वेबसाइट या एप्लीकेशन के ऊपर जाके लॉगिन करने के बाद अपने एमिरेट्स आईडी के जब स्टेटस चेंज हो चुका है और वहाँ पे आपके एमिरेट्स आईडी की डेट अपडेटेड हो चुकी है, उसको डाउनलोड करके अपने साथ रख लीजिए ताकि इमिग्रेशन करते हुए इधर से या वहाँ से वापस आते हुए अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप ये फर्दर डिटेल्स उनको हैंड ओवर कर सकते हैं और आपको कोई पूछे या तंग नहीं करेगा उसके बाद। आई होप आपको समझ आई होगी, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कर दीजिएगा एंड बी सेफ। अपना एमिरेट्स आईडी जो है आप लोगों की अमानत है, आप लोगों के पास होनी चाहिए, ये किसी की जेबों में, किसी के कहते हैं ना दराजों में या अरबाबों के वॉलेट में नहीं होना चाहिए। ये एमिरेट्स आईडी इंतहाई सिक्योर डॉक्यूमेंट है, इसकी बेसिस के ऊपर या तो आपके ऊपर लोन कार्ड ये सारी चीज़ें सिम में इशू करके आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की जा सकती है। अपने राइट को जानिए, यूएई के लॉ की रिस्पेक्ट कीजिए, फॉलो द चैनल, सब्सक्राइब और बेल आइकन लाजमी दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।